कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी जो है आपका अपने सेकंड टॉपर हैं यूपीएससी जी, तो आपने कैसे तैयारी करा था और क्या क्या चीज़ों का ध्यान जो है आपने रखा? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सिविल सर्विस एग्जाम में, तो मैंने अपने मास्टर्स के बाद एक साल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एक साल पूरा डेडिकेटेड मैंने सिविल सर्विस के लिए ही प्रिपेयर किया था। तो अनफॉर्चुनेटली उस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। और सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ट्रेनिंग के करते वक्त ही दिया था, और फॉर्चुनेटली इस बार सक्सेस मिली है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में, मेरा जो नहीं हुआ जो मेरे हिसाब से था, मैंने फर्स्ट टाइम में काफ़ी कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, अराउंड 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। तो दिस इज़ समथिंग, ये था जो मैंने फील किया कि ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूर कोई ना कोई गलती तो होगी, चाहे कितना ही आप कोशिश करें कि हाँ सही आंसर मार्क करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, तो बट कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो जो नेक्स्ट टाइम मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की, तो मैंने अराउंड 85-90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की नेक्स्ट टाइम में, और थैंकफुली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और बाकी सारा एग्जाम मेंस और इंटरव्यू भी सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक मेजर चेंज था जो मैंने किया अपने उसमें। बाकी मेंस के लिए स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी जनरली सबको पास क्लियर ही होती है, सब पिछले साल काफ़ी टॉपर्स ने बताया हुआ बहुत सालों में, तो मेन स्ट्रैटेजी वही रहती है, बेसिक बुक सेम रहती है सबके पास। बस मेरा एक फोकस है, मेरा जो फोकस रहा कि सेम चीज़ को बार बार किया जाए, ना कि ढेर सारी चीज़ों को पढ़ा जाए। तो सब मेरा एडवाइस यही रहेगी कि सब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, एक बुक को आप 3-4 बार पढ़ें, ना कि 4 बुक को एक बार। तो रिपीटेड रिविजन्स, और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस रहता है, तो न्यूज़पेपर से आप हमेशा टच में रहें, यही मेरा मेन एडवाइस रहेगा। अभी आपने कार्डर चूज़ किया, तो किस वजह से? मेरा होम स्टेट दिल्ली है, मैं दिल्ली से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो इसलिए मैंने अपना कैडर भी अगमुत यूटी कैडर ही लिया है। बाकी मेरा कैडर कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस है, जहाँ भी मौका मिलता है सर्व करने का वहाँ पे आई एम रेडी टू वर्क, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, बट क्योंकि ये मेरा होम कैडर है तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वैसे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है। सो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही आपने? जी, मैंने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ही ऑप्ट किया है। कोविड के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं जी, जो इंटरव्यू था वो फरवरी में होता था कोविड जी, तो उसमें क्या कोई आपको बदलाव इंटरव्यू में? नॉर्मली नहीं, हमारा इंटरव्यू तो एक्चुअली पहले ही हो चुका था, और कोविड के बाद भी जो इंटरव्यूज हुए हैं, हालांकि मेरा नहीं हुआ, मेरा तो पहले ही हो चुका था, बट जो मुझे सुनने में आया है उन्होंने ऑनलाइन तो नहीं लिए हैं, इन पर्सन इंटरव्यूज लिए हैं, बट सारी प्रिकॉशंस के साथ, सैनिटाइजर्स मास्क वगैरह सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज करके ये सारी प्रिकॉशंस ली गई हैं, और ये सब ज़रूरी भी है आज की सिचुएशन में। बट ऑनलाइन शायद पॉसिबल ना हो पाए, UPSC का एग्जैक्ट डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बट फिलहाल इंटरव्यूज़ तो ऑनलाइन नहीं हो रहे। एक और चीज़, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट जो नया बैच जो है जी, उसके लिए UPSC को क्या सिविल सर्विसेज में पॉसिबिलिटी है कि वो जैसे बाकी तैयारियां होती हैं वो ऑनलाइन तैयारी सिविल सर्विसेज की हो सकती है? काफ़ी अभी पिछले कुछ सालों से चेंज तो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज, कोचिंग, बहुत कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो डेफिनेटली ये है, बट जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो, क्योंकि दिल्ली में माना जाता है कि ये हब है कोचिंग का, बट धीरे धीरे ऐसा चेंज हो रहा है, लोग अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आजकल एक्सेसिबल हैं, बुक्स तो NCERTs वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिक बुक्स तो अवेलेबल है ही, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल रही हैं, तो एक अच्छा ट्रेंड है मैं कहूँगा, सब लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ वो ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिल्ली में आके अफोर्ड कर सकें, तो एक अच्छा ट्रेंड है ये जी। लिए मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल रहा है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे थ्रू, और शायद मैं नहीं कर पाता अगर मेरा सपोर्ट नहीं है, मैं लकी हूँ मेरे को एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिला है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ मेरी अच्छे से हो पाई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई रियलाइज कि मेरे को काफ़ी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ, और ये सब मुझे अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल कॉलेज का एक्सेस मिला, तो मेरे फैमिली का तो सारा समय सपोर्ट ही रहा है, और साथ साथ इमोशनल और मॉरल सपोर्ट भी रहा है, तो फैमिली को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू।
subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.